चलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। आई एम अनीता। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं आपसे। तो अभी जो जैसे हमने पहले अपना एक डाउट क्लियर किया था वर्निश का, फिर हमने किया था कि कोन कैसे बनाने, कोन में फिर था कि क्यों गलती होती है। तो मैं अपनी तरफ से जो मुझे आता है वो बता रही हूँ। जैसे ये मेरा कोन बना हुआ है मेहंदी का, कोन कैसे बनाना है मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ये मेरा अभी सिर्फ आउटलाइन का है, तो आप इसके थिकनेस देख रहे हो, इतना पतला नहीं होना चाहिए कि उसका फ्लो ऐसा हो कि वो बह जाए, है ना। लेकिन ये मेरी फर्स्ट आउटलाइन है तो मैं इतना तो ले ही सकती हूँ। दूसरी बात, जब भी यूज कर रहे हो अपने मटेरियल को टाइट बंद करके रखो। इसको मैंने बंद किया, ये मेरा कोन का ये फेस दिखाई दे रहा है, हमेशा सिर्फ एक स्पून। हम लोग सोचते हैं कि अगर मैंने 3-4 चम्मच भर दिए तो मेरा बहुत अच्छा होगा, काफी काम खींचेगा, उतनी ही प्रॉब्लम आती है। उस पर प्रेशर उतना पड़ता जाता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता है कोन फट जाता है। अगर एक बार आपका कोन यहाँ कहीं से भी जहां टेप लगी है, अगर एक बार लूज किया, फिर आप कितनी भी मेहनत करो, टेप लगाओ, वो नहीं चिपकेगा। एक चम्मच डालो। उसके बाद इसको मैंने, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने इसको ऊपर से ऐसे बंद कर दिया ताकि आपका जब आप प्रेशर दे रहे हो तो आपका बाहर नहीं निकले मटेरियल। ये मैंने बंद कर दिया। इसके बाद ऊपर से इसको इस तरह से बंद कर दो। करा, इसके बाद इसको पकड़ के एक बार ट्विस्ट किया, इतना सा। ये रहा मेरा रबर। आप में से कुछ लोग ये पूछते हो कि हम टेप भी लगा सकते हैं, 100% लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो मेरे को, मैं जो भी काम करती हूँ मैं उनको सोच के करती हूँ जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ काम कर रहे हैं, राइट। जैसे आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, टेप लगी आप उसको बार बार फोल्ड कर सकते हो, लेकिन टेप निकाल के उसको फिर से नहीं चिपकाओगे, है ना। रबर में क्या होता है, जैसे जैसे ये कोन मेरा मटेरियल खत्म होगा, जब मैं यूज करूंगी तो ऑब्वियसली ये चीज सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, रबड़ की, पूरा रबड़ नहीं खोलना, सिर्फ ये दो परत खोलेंगे, उसको फिर से टाइट करेंगे और इसको मैं फिर से टाइट कर सकती हूँ। तो जब तक मैं काम कर रही हूँ मेरा कोन हमेशा फ्रेश रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रखो, कोन जब यूज कर रहे हो, अगर आपको कोई 5-7 मिनट का काम है तो भी इसको कोई भी कपड़ा जो हमेशा आपके पास रहना चाहिए, या तो उसके अंदर ऐसे लपेट के, 5-10 मिनट की बात है तो रख के जाओ, खुला मत रखो, क्योंकि हमारा मटेरियल को जितनी हवा लगती है वो उतनी जल्दी थिक हो जाता है, तो आप उसके साथ काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है आज का काम हो गया, मैं आगे कुछ भी अगर इमरजेंसी है मैं काम ही नहीं कर सकती हूँ, तो आप इस कोन का मटेरियल वापस उसमें डालोगे और उसको टाइट बंद करोगे, कोन को फेंक दोगे। जो आज खाली कर दिया है उसको आप कल फिर से यूज नहीं करोगे, ठीक है। कौन सा बच्चा जो अभी तेरे को पता चल रहा है, बस तो एक बार करना तेरे पास। ये वाले क्रीम तो हो गए तुम्हें, ठीक है, इसके में भी होगा ना सेम। इधर वाले नहीं है मैम, इधर नहीं है। हाँ, तो जिधर बस है बस वो वाला कर, मैं आ रही हूँ तेरे पास। तो हम क्या करेंगे, कोन को कभी भी ऐसे तिरछा करके नहीं काटते हैं। तो क्या होता है, कई बार ऐसे काट रहे हो टेढ़ा कट जाता है, हमेशा कोन को इस तरह से पकड़ो और ऊपर के टिप इस तरह से काटो। अगर आप जिंदगी में पहली बार कोन कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, कोन को जब आप पकड़ रहे हो, प्रेशर कभी भी पेन की तरह मत लो। आप अगर सोचो, अगर कोई भी चीज, कविता तू भी सुन, और विश्वा ने तो खैर ऑब्वियसली ये कर ही लिया, जब भी कोन वर्क करते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम पेन की तरह पकड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर नीचे उसका नैरो है, ऊपर ये ब्रॉड है ना हमारा, तो क्या होता है, प्रेशर ऊपर जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा यहाँ से फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हमेशा क्या करो, जब आप कोन को पकड़ रहे हो, प्रेशर हमेशा टॉप पे से दो, तो वो हमेशा नीचे आएगा, और जैसे जैसे लूज हो जाए तो फिर उसको टाइट कर, तो हमेशा हमारा काम बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज आ जाती है मेरी हाइट की, जो हाइट है ना उसको पेन की तरह चलो। ये देखो हाइट कितनी, जो एक स्टैंडर्ड हाइट है, आप यहां से स्टार्ट करो। ये अभी आपकी फर्स्ट आउटलाइन के लिए काफी पतला है, तो मैं इसको मोटा कर सकती हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि ऐसी चीज लो, ये दिख रहे हो आप, अगर मेरी हाइट इतनी ऊपर है तो मैं जहां भी इसको चाहूंगी मैं ले जा सकती हूँ। अच्छा, धीरे से रखो, क्लियर। मुझे पता है अभी फर्स्ट टाइम डर लगता है, लेकिन क्या करो, जब ऐसा होता है ना तो जहां कर्व है वहां पहले मत आओ, ठीक है,
सबसे पहले आप क्या करो, सीधी सीधी लाइंस लो. ओके मैम. दूसरी चीज जो हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां आप बैठे हो हमेशा अपने पास से काम को स्टार्ट मत करो. आप अभी आपने पहले ये काम करा क्योंकि वो हमारी आदत होती है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद जब आप यहाँ जाओगे तो अपने ही हाथ लग जाएगा. तो हमेशा दूर से पास की तरफ है. ओके ठीक है. तो जितनी भी मेरी सीधी लाइंस है, जैसे ये है, आप पहले ये सब करो, यहां से स्टार्ट करो. हम क्या करते हैं, गलती लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ से आ रही हूँ और मुझे पता है कि मेरे को इसको करना है, तो वो ना नीचे नहीं रखते, उसको ऐसे खींच देते कि अपने आप टूट जाएगा. क्लियर? तो जहां भी मुझे करना है तो हम उसको नीचे टिकाते हैं. ठीक है. तो चलो, आई होप कि ये सारे टिप्स आपसे काम आएंगे. बाकी ये है हमारी विश्वा, विश्वा जो झरोखा बना रही है और दो पेंटिंग ऑलरेडी बना चुकी है. ये है कविता, ये भी मुगल में झरोखा ही बना रही है. और ये हमारी क्लास की नई स्टूडेंट है जय, जय जो पशन से स्टार्ट करती है. तो जल्दी से मिलते हैं आप लोगों के साथ नए वाले सारे आगे के जो भी स्मॉल स्मॉल टिप्स हैं, ताकि आपके काम आए. और हमारी काफी सारी वर्कशॉप्स चल रही है ऑनलाइन, जैसे कि ये हमारा पर्शियन आर्ट का डिजाइन है. पर्शियन आर्ट में 3-4 डिजाइन है, तो आपको जो भी पसंद है आप वो हमसे इंक्वायर कर सकते हैं उसके बारे में. और सिमिलरली हमारे जयपुर आर्ट है, इसके अंदर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसमें भी 3-4 डिजाइन है. देन हमारे श्रीनाथ जी है, ये तो इस तरफ होगा. एंड नेक्स्ट हमारी मून आर्ट की भी वर्कशॉप स्टार्टेड है. और हमारे क्या कहते हैं, देन हमारा ज्वेलरी आर्ट में आपको बहुत सारे डिजाइन मिल ही जाते हैं हर बार की तरह. तो तिरुपति जी भी है हमारे, हाँ, ये मार्बल आर्ट में. एंड तंजोर में अभी हमारा ये डिजाइन चल रहा है, काफी वर्क इसमें हो चुका है और जल्द ही आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा. जयपुर आर्ट में एक हमारा ये नया डिजाइन स्टार्ट हुआ है जो आप देख सकते हैं. तो इसी तरह से हर आर्ट वर्क में हमारे 3-4 डिजाइन हैं जो आप फाइनलाइज कर सकते हैं जिस भी आर्ट वर्क को आप सीखेंगे. और इसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं हमें 9582858532 पे. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है. और हमारे इंस्टाग्राम हैंडलर, यूट्यूब, फेसबुक, आप सबकी नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हैं, जो कि AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के नाम से. और जिस तरह से ये सारे वीडियोस हैं, ये वहाँ मिल भी जाएंगे, अवेलेबल होते हैं. अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं आप उसमें भी देख सकते हैं. वहाँ पे हमारे पोस्ट हैं, जो जो डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, हमारी झरोखा आर्ट है, अभी हमारा झरोखा पीछे चला गया, चौकी आर्ट है हमारी. सो इनमें से किसी में भी आप एनरोल करना चाहते हैं. डेको पेज है, हमने डेको पेज आर्ट में अपना एक ज्वेलरी बॉक्स भी ऐड किया है म्यूरल्स के साथ, तो आप वो भी देख सकते हैं. तो सबके लिए आप 9582858532 पे इंक्वायर कर सकते हैं. और अगर हमारी वीडियोस पसंद है, हमारा काम पसंद है, तो डू शेयर, लाइक एंड इसको काम को ऐसे ही आगे बढ़ाइए, ताकि आपकी तरह और नए लोग हमारे संग जुड़ पाए. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय कर ली. Bye. Thank you.